हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, रुहिलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की आपकी जो परीक्षाएं 1 अगस्त से स्टार्ट हुई थी और लगभग 9 सितंबर को ये परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, तो आपकी इन परीक्षाओं के जो रिजल्ट हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कब तक जारी किए जा सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो समाप्त हो चुकी हैं और अगर आपके प्रैक्टिकल वगैरह कम्प्लीट हो चुके हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में देखने के लिए मिल सकता है। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, सितंबर में परीक्षा समाप्त हुई थी, सितंबर में आपकी परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन हुआ था, इसमें भी जो बचा हुआ मूल्यांकन है वो कंप्लीट हो जाएगा और रिजल्ट वगैरह तैयार हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट होगा बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए का सेकेंड यानी कि द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो परीक्षाएँ हुई हैं बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए की, उनके सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के आपके जो रिजल्ट हैं वो आपको अगले महीने यानी कि नवंबर में देखने के लिए मिल सकते हैं, या मानकर चलिए कि अक्टूबर के लास्ट में देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा लेट जारी करती है, इसलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग नवंबर में ही आपके रिजल्ट आ पाएंगे, क्योंकि अक्टूबर में रिजल्ट नहीं आ पाएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लेट घोषित करती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा हम वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दे देंगे, इसलिए आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।